आज मैं आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक फिर लेकर के आया हूँ। ये भी जिंदगी से बहुत जरूरी बातें हैं, जिंदगी बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है। हम सब यही चाहते हैं कि हम जो बोले वो हमारी बात सब माने। हमारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हम जो बोले वो सारे बच्चे उनकी बात माने। सबकी एक ही सोच होती है कि उनके द्वारा बोला हुआ बात जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन सही है या गलत है, आज आपके इस डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। कोई आदमी को तैरने का शौक है, वो तैरना चाहता है, तो वो वही तैरना चाहता है जहाँ पानी की धारा आहिस्ता आहिस्ता बहती हो। पानी की अगर बहुत तेज धारा रहे तो लोग वहां पे तैरना नहीं चाहेगा। पानी की धारा अगर आहिस्ता आहिस्ता रहे तो वहां लोग तैरना चाहेगा, एंजॉय कर पाएगा। वैसा ही है कि आप जो बोलते हैं तो आपके बोलने का जो स्टाइल होता है वो उसमें बहुत कलापन होता है, जो अच्छा बात भी खराब हो जाता है। मतलब आप अपने बोलने के स्टाइल पर ध्यान रखिए तो हो गया क्या, इसे आप बहुत अच्छे से समझा पाएंगे लोगों को। आप जो चाह रहे हैं वो जरूर होगा। अगर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लोग नहीं मान रहा है वो मानेगा। आप बिल्कुल सही तो बोलते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं बोलते हैं, आपको तरीका नहीं पता इसलिए गलती होती है। आप अगर किसी को भी कुछ समझा रहे हैं तो आप अपने बोलने के स्टाइल पे ध्यान रखें। अक्सर टीचर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, तो उन टीचर को अपने अंदर ये देखना चाहिए कि उनके बोलने का स्टाइल कैसा है। कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, तो उन गार्जियन को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए जिस बात को समझाना चाह रहे हैं वो समझाने का स्टाइल कैसा है उनका। हर आदमी चाहता है कि हमें प्यार मिले, मोहब्बत मिले, वो अच्छे से काम कर सके। तो आप अगर उस अंदाज में अगर समझा रहे हैं तो जरूर समझेगा। आप जिसको समझाना चाह रहे हैं आप उस अंदाज में समझाइए जो अंदाज समझाने का होना चाहिए। आप किसी को कुछ समझाते हैं, आपकी आवाज में इतनी कड़ापन होती है जो अच्छा बात भी खराब हो जाता है। तो इसलिए आप जो है बोलने में क्या नरमियत लाइए, जो सुनने में अच्छा लगे ताकि लोग उसको समझ सके। आप जितने कड़ापन से बोलेंगे उतना लोग आपसे दूर भागेगा। आप उसी हवा में सांस ले पाते हैं जिस हवा की गति धीमी होती है। अगर आप तेज हवा में जाते हैं तो आपको सांस लेने में भी दिक्कतें होती है। वैसा ही है, जो तेज आवाज कड़ापन आवाज हो तो उसे लोग अंदर लेने से इनकार करते हैं। हमारा माइंड उसे ही अच्छे से समझ पाता है जिस आवाज में नरमियत होती है। तो इसी वजह से है कि आप अगर किसी को कुछ समझाते हैं, किसी को कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो अपने बोलने के स्टाइल पे आप ध्यान दीजिए, आपकी बात जरूर मानेंगे लोग। आपकी शिकायत जो है वो दूसरों से नहीं होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए। ये बात की कि आपकी बात नहीं मान रही है कोई, मतलब कि आपके अंदर कमी है। आप कमी अपने अंदर ढूंढिए। आपकी बात अगर कोई नहीं मान रहे हैं तो हो सकता है कि आपके बोलने के स्टाइल में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, आप समझा नहीं पा रहे हैं अपनी बात को। आपके पास जो ताकतें हैं, आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो दौलत है, तो आप उनका इस्तेमाल करके चाह रहे हैं लोगों को हम समझा दें। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं लोग समझेंगे। आपको हमेशा अखलाक के साथ, मतलब अच्छी व्यवहार के साथ समझाना पड़ेगा। आपकी व्यवहार अच्छी होगी लोग आपको फॉलो करेंगे, आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा लोग आपको फॉलो नहीं करेगा। तो आप अपने व्यवहार पे ध्यान रखिए, आपके बोलने का स्टाइल, आपके रहने का स्टाइल, ये सारी चीज डिपेंड करते हैं। दिल दिमाग से बात निकाल दीजिए कि आपके बच्चे या आपके स्टूडेंट या आपके पड़ोसी आपकी बात नहीं मान रहे हैं। आप अपने अंदर नरमियत लाइए, जरूर आपके पड़ोसी, आपके भाई या आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे। अपने बोलने के स्टाइल में आप चेंजिंग लाइए, जरूर आप बहुत अच्छे बन पाएंगे।